के नए वेरिएंट को लेकर जिला क्राइसिस कमेटी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को कमेटी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ऑक्सीजन प्लांट और अस्पतालों की व्यवस्था सही करने के आदेश दिए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भले ही अभी भारत में दस्तक नहीं दी, लेकिन पड़ोसी देशों में नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद देश भर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने जिला क्राइसिस कमेटियों के साथ बैठकें करते हुए समस्त प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभारी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को कोरोना जिला प्रभारी कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ शहर के सभी कोविड अस्पतालों के निरीक्षण किया और ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति को जाना। देखिए, कोरोना के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरी आपदा प्रबंधन की प्रदेश की बैठक ली और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि अल्टीमेटली हमको आवश्यक सावधानी रखना है, लेकिन प्रतिबंध के आधार पर अगर बात करें तो जो उनने पूर्व घोषित किया हुआ कि स्कूल के अंदर जो चूँकि किसी को बच्चों को अभी टीका नहीं लगा है तो 50% छात्र संख्या के साथ वो स्कूल चलेंगे और ऑनलाइन बाकी क्लासें चलेगी। लेकिन जो सामान्य कोरोना के पहले से गाइडलाइन है कि जो जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, ऑक्सीजन प्लांट को चालू होकर देखना, उस संबंध में आज हमने उस बैठक के तुरंत बाद सीएम साहब के निर्देश के बाद हमने माधवनगर हॉस्पिटल का दौरा भी किया और दो जो ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगाए गए उन दोनों प्लांटों को जा कर के देखा है, उनका ऑक्सीजन लेवल और बाकी सभी फंक्शनिंग देखी। उम्मीद कर रहे हैं अंदर के हॉस्पिटल के बेड और बाकी डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं, पूरे जिले के सभी हॉस्पिटल और सारी व्यवस्थाओं के लिए भी चाक चौबंद किया है। किसी भी स्थिति में अगर कोई 19वीं बात होती तो हम तुरंत अपने चिकित्सा प्रबंध के बलबूते पर उसके सेवा देना चालू करेंगे और प्रशासन की जो आवश्यक सावधानी उसके चालू रखने का निर्णय किया। कलेक्टर के अनुसार उज्जैन में कोरोना को लेकर 3 चरणों में अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मास्क की अनिवार्यता को लेकर रोको टोको अभियान, चालानी कार्रवाई और वैक्सीनेशन के दोनों डोज को दिसंबर तक 100% करने का लक्ष्य बनाया है। इसी के साथ कोरोना अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था व्यवस्थित करना भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा करी गई है और उसमें हम लोग 3 चरणों में काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। पहला तो ये है कि जो वैक्सीनेशन अभी भी अगर हम लोग देखें एक ढाल के रूप में कोई चीज़ अगर इस्तेमाल हो सकती है तो वैक्सीनेशन ही है, इसलिए इसके सेकेंड डोज को किसी भी हालत में दिसंबर के आखिरी तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा लगभग 76% के आसपास सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। अभी भी जो हमारा लगभग देखें 20% के आसपास का गैप है, इसको हम लोग बहुत जल्दी पूरा करेंगे महाअभियान के माध्यम से। इसके साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर फिर से जोर दिया जाएगा। मास्क के लिए अभियान, रोको टोको अभियान हो या फिर जो फाइन का अभियान हो, वो हमारे द्वारा वापस किया जाएगा। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन और मास्क के लिए चाहे कार्यस्थल हो या फिर मेले हो या फिर मंदिर में प्रवेश हो, इन सब जगहों पर इनके लिए थोड़ी सख्ती बरती जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा के ही रहे और सेकंड दोनों वैक्सीनेशन की डोजेज लगा के ही सार्वजनिक स्थानों पर आए। तो अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से इतनी तैयारी करी जा रही है। तीसरे कदम के रूप में ये सब करके भी अगर केसेज आने चालू होते हैं उस समय हमारी जो तैयारियां हैं खासतौर पर हॉस्पिटल से रिलेटेड वो पूरी की पूरी अच्छे तरीके से रहें, इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आज सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का ट्रायल रन करके देखा गया है, ये भी देखा गया है कि उनसे जो ऑक्सीजन निकल रही है उसमें शुद्धता की मात्रा पर्याप्त है या नहीं है। जिले में वैक्सीन के सेकेंड डोज अभी तक 76.91% लोगों ने लगवाया है, शेष लोगों को तत्काल सेकेंड डोज लगेगा। जो लोग जानबूझकर सेकेंड डोज का टीका नहीं लगवा रहे हैं उनको पुलिस के माध्यम से टीकाकरण केंद्रों तक बुलाया जाएगा। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।